तो दोस्तों मैंने अभी अभी सेवेंथ एपिसोड देखकर ख़त्म किया है। सिक्स्थ और सेवेंथ एपिसोड दोनों देखे मैंने हमारा बार हैप्पी आर के। देखिए सिक्स्थ एपिसोड में ये दिखा दिया गया है कि किस तरीके से स्वयंवर, जो ऐश्वर्या का स्वयंवर होता है, उसमें किस तरीके का पार्टिसिपेशन करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेशन करता है, उसमें कॉमेडी दिखाई है। और उसके चलते ये जो बार वाले चार बच्चे हैं, इन्हें 15 लाख रुपये मिल चुके हैं, ये दिखा दिया। और बहुत खुश हैं कि 15 लाख मिल गए और हमें 15 से 15-20 लाख और चाहिए, वो भी हम इधर उधर करके कमा लेंगे और हम अपना बार बचा लेंगे, वही सब दिखा है नॉर्मल। अब बात करते हैं सेवन्थ एपिसोड की, जो आज रिलीज़ हुआ है। तो सेवन्थ एपिसोड में ये दिखा दिया है कि चार में से एक जो कैरेक्टर है इसमें, वो बार में बैठा हुआ है और पैसे की छोटी मोटी रखवाली कर रहा है। लेकिन जो रॉटनी नाम का लड़का है, जो इनका बार छीनना चाहता है, उनके 5 लाख रुपये लेकर भाग जाता है। तो अब आगे किस तरीके का स्क्रीन पे ये रखेंगे, क्या क्या चलेगा इसके अंदर, यहाँ पर ये मेन बात आती है। वैसे कहूँ तो देखिए ये उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है ये सीरियल जितना मुझे मुकेश जासूस लगा, लेकिन हाँ, अगर आप मुकेश जासूस के बाद मुझसे पूछें मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मुझे इसके अलावा कौन सा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टीवी सीरियल या टीवी शो अच्छा लगता है, तो शायद मैं हमारा बार हैप्पी आर का ही नाम लूँगी, क्योंकि इसमें टाइम पास का फुल ऑन टाइम पास तो पूरा भरा पड़ा है। मतलब स्क्रिप्ट जो जिस टाइप की है, वो टाइम पास वालों के लिए, जिन्हें टाइम पास करना है वो आकर देख सकते हैं। चार लोगों की कहानी है जो कैसे बचाते हैं अपने बार को, तो उसके ही अलग अलग टाइप के एपिसोड्स हो रहे हैं। कोई कभी स्वयंवर रच रहे हैं, कभी स्टैंड अप कॉमेडी करा रहे हैं, कभी खुद से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी मामा की डेथ हो जा रही है तो उसके पैसे लेने जा रहे हैं, जो पैसे उन्हें मिल नहीं रहे। तो छोटे मोटे से सीन से जो आपको एंटरटेन करेंगे, और स्क्रीन प्ले इतना ज़बरदस्त है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ कि इसकी स्क्रिप्ट से भी और इसमें कही गई बातों से भी। सारे एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और हाँ, इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल तो मैं ऐसा नहीं कह सकता किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का मुझे लगा नहीं, सबके ही रोल इक्वल वे में मुझे अच्छे लगे। अगर आपने सेवेंथ एपिसोड देखा है हमारा बार हैप्पी आर का, तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। और अगर नहीं देखा तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है यार, जाके देखो और फिर बताना ये आपकी क्या राय है इस टीवी सीरीज़ के बारे में। जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि मूवीज़ से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।